देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रेस्पॉन्स आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए, कि पार्टी में एक नई जान दिखाई दे रही है, पार्टी में एक नई उमंग दिखाई दे रही है, एक नई उत्साह, नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम उसका लाइव स्ट्रीमिंग करें। हर टिप्पणी का जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ, उस स्तर पर मैं नहीं गिरूंगा। नमस्कार साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का पांचवा दिन है और आज पांच दिन के अंत तक, आज 6:30 बजे तक करीब 94 किलोमीटर पूरा होगा। आज सुबह 11 किलोमीटर था और आज दोपहर को 10 किलोमीटर होगा। तो पहले पांच दिन में 94 किलोमीटर कवर हुए हैं, औसत के तौर से हर दिन 19 किलोमीटर आता है। हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि हम हर दिन 25 किलोमीटर करें, पर सभी भारत यात्री कहते हैं कि हमें 22 करने की क्षमता है, 25 करने के लिए अभी वक्त होगा। अब तक हमने 19 किए हैं, तो थोड़ा और तेज़ी से हम चलेंगे बाकी दिनों में। मैंने पहले कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, जनता की चिंता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से बयान आ रहे हैं, बिल्कुल झूठे बयान आ रहे हैं, बेबुनियाद बयान आ रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरीके से सोशल मीडिया उनकी फैक्ट्री चल रही है, बिल्कुल साफ हो गया है कि वो घबरा हैं, परेशानी में हैं, वो पीड़ित हैं और वो उनको देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रेस्पॉन्स आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो वरिष्ठ नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से जो बुरी तरीके से घोटाले में फंसे हुए हैं, उनके मुंह से झूठ के अलावा तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आज भी उसका एक मिसाल हमें देखने को और सुनने को मिला है। तो ये आलोचना चलती रहेगी, ये जो टिप्पणियां आएंगी इनसे कंटेनर के बारे में, टी शर्ट के बारे में, जो नहीं कहा गया वो कहा गया, इसके बारे में जहां गए थे उनको कहना, वहां नहीं गए थे पर जिसकी जो फोटो सबूत है उसको इनकारते हुए, ऐसी सब टिप्पणियां आते रहेंगे। हम तैयार हैं, हर टिप्पणी का जवाब मैं नहीं देने वाला हूं, उस स्तर पर मैं नहीं गिरूंगा जिस स्तर से गृहमंत्री गिरे हैं और उनके कुछ कैबिनेट के सहयोगी भी गिरे हुए हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, पांच दिन के बाद मैं वापस कल लौट रहा हूं केरला में। पांच दिन के बाद भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु में और केरला में हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा और नई उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी का मोबिलाइजेशन तो मैं समझता हूँ बहुत मजबूती से हुआ है, ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। और ये एक मकसद था भारत जोड़ो यात्रा का, कि हमारे पार्टी संगठन में हम एक नया जान फूंके। और पांच दिन के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पार्टी में एक नई जान दिखाई दे रही है, पार्टी में एक नई उमंग दिखाई दे रही है, एक नई उत्साह, नई ऊर्जा दिखाई दे रही है लोगों में। सुबह का जो यात्रा है वो पार्टी मोबिलाइजेशन का कारण नहीं है, पार्टी मोबिलाइजेशन तो दोपहर और शाम को होता है, पर सुबह जो हम देख रहे हैं, हर सुबह जो देख रहे हैं 7 बजे से लेकर करीब 10:30 बजे तक, वो जनता अपने ही बल पर आ रही हैं।
हमारे कार्यकर्ता नहीं जाते हैं लोगों को बुलाने के लिए, लोग अपने आप आते हैं। और सुबह केरला में और तमिलनाडु में मैंने देखा है, सुबह के चरण में करीब 5,000 लोग रहते हैं और दोपहर और शाम के समय में 25,000 या 30,000 लोग हमें देखने को मिला। राहुल गांधी जी, जैसे मैंने कहा, 25 किलोमीटर चलना चाहते हैं, पर हम 21 या 22 किलोमीटर करेंगे। वो चाहते हैं कि हम 6 बजे शुरू करें, पर हम 7 बजे शुरू करते हैं, 7 या 7:15 से हम शुरू करते हैं। शुरुआत अच्छी हुई है, सकारात्मक तरीके से हुई है, जनता का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया हमें देखने को मिला है। पार्टी संगठन के कार्यकर्ता जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से अभी हमें जानकारी मिल रही है कि वहाँ भी एक नई उत्साह दिखाई दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद के से शुरू किया गया था वो सही रास्ते पर चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है। यहाँ वहाँ छोटे मोटे परिवर्तन हमें करने की ज़रूरत है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, आप जानते हैं, सुबह और दोपहर, और जो राहुल गांधी जी के जो इंटरेक्शन हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ, उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम उसका लाइव स्ट्रीमिंग करें। ये पूरी पारदर्शिता से हम ये भारत जोड़ो यात्रा का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। हम कोई छुपा नहीं रहे हैं, जो कुछ है हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अगले 17 दिन हम केरला में रहेंगे, 30 सितंबर तक हम केरला में रहेंगे और अक्टूबर 1 से अक्टूबर के 22 तारीख तक हम कर्नाटक में रहेंगे, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।